आज की तिथि बार नक्षत्र योग और करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज राहु काल का अशुभ समय क्या है, अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल का शुभ समय क्या रहेगा और आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 30 मई सन 2022 ज्येष्ठ माह ग्रीष्म ऋतु कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि के साथ सूर्यदेव उदय हुए। अमावस्या तिथि सायंकाल 5 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि होगी। आज का वार चंद्रवार यानी सोमवार है। कृतिका नक्षत्र 7:12 प्रातः काल तक रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा, जबकि आज का योग होगा सुकर्म योग जो कि 11:38 मध्याह्न काल तक रहेगा और उसके बाद धृति योग होगा। सायंकाल 5 बजे तक किष्कोण करण रहेगा और उसके बाद नाग करण होगा। आज का राहु काल का शुभ समय 7:07 प्रातः काल से प्रारंभ होगा, प्रातः काल 8:51 तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:51 से प्रारंभ होगा, 12:46 मध्याह्न काल तक रहेगा। बात गुलिक काल के शुभ मुहूर्त की करें, दोपहर 2:02 से गुलिक काल का शुभ समय प्रारंभ होगा, 3:45 दोपहर तक रहेगा। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को करना चाहिए। गुलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करना चाहिए। आज का जो दिशाशूल है वह पूर्व दिशा है। आज पूर्व दिशा में यात्रा करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हैं, अपने कामकाज नौकरी अथवा व्यवसाय को लेकर के आप पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से यदि पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो दर्पण में देख करके ही आज आप यात्रा करें। अपनी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए जब भी यात्रा प्रारंभ करें तो देखें जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। आज सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या का व्रत भी आज ही किया जाएगा और पितरों के निमित्त तर्पण व दान भी आज ही किया जाएगा। साथ ही आज शनिश्चरी जयंती है, आज शनिदेव का पूजन जरूर करना चाहिए। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करना चाहिए। जिन दर्शकों की आज विवाह वर्षगांठ है आप सभी दर्शकों को विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्य सुख के लिए आप माँ पार्वती व भगवान भोलेनाथ का पूजन करना न भूलेगा। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।